KGB. Today, on this occasion of Cultural Day, I would like to talk about the importance of education. Education plays a vital role in the development of one's character and personality. Education and knowledge differentiate us from the other creations of Allah subhanahu wa ta'ala, giving us the title of Aslaful Makhlukat. Education equips us to make informed decisions about our life. The journey of education never ends, and in this journey, GEMS School of Excellence has been one of the most important pillars to gain it, that is knowledge. Education is compulsory for every Muslim, as the revelation of the Quran started with Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, which means Aslam Aslam. استيقظ استيقظ السلام السلام دعني دعني انام دعني انام سيد الانبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع I still remember the first day of my 9th standard where I was so scared, and today I'm standing here and giving a speech. It really means a lot. I will miss my teachers, my friends, and all the precious and memorable moments that I've spent here. School, like I joined the school in 9th standard. There was lockdown. After that, the journey from 9th standard to 10th standard here, when I look back, I don't realize how much I've improved in terms of everything, in terms of my education, in terms of my Islamic taleem. I have to be very honest here. When I look at myself 2 years back, I was a girl. I did not used to pray namaz. I was very used to reading the Quran. But after coming here, like, I wake up for Fajr Namaz, Islamic studies, Miss Nilofer Miss has really made a huge impact on me. Like, her lectures, I used to wait eagerly for Islamic studies lectures. Even all of the three teachers, they've done an excellent job at educating. I couldn't help but grasp as many as knowledge as I could. It's been wonderful. It's been a wonderful experience here, and I think that's all I have to say. Thanks a lot. जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आफताब खान और आप देख रहे हैं सिटी हेडलाइंस न्यूज। दोस्तों, इस वक्त मैं मीरा भाईंदर के जेम्स स्कूल में हूं। जिस तरह का ये नाम जेम्स है, उसी तरह के यहां के बच्चे परफॉर्मेंस करते हुए देखे और बच्चों में एक इतना कॉन्फिडेंस दिखा कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़े बड़े स्कूलों में, हाई फाई स्कूलों में भी अगर बच्चे स्टेज पे आते हैं तो इतना कॉन्फिडेंट नहीं, इतना कॉन्फिडेंट कूट कूट के भर देना। कैसे ये हो पाया? क्योंकि आई वॉज शॉक्ड एंड सरप्राइज जब आपके यहाँ का 6 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा जिस कॉन्फिडेंस से बात कर रहा था, वो मुस्लिम, वो इंग्लिश, वो हिंदी, वो मराठी, कैसे ये सब, इतना कुछ कैसे और इतनी जल्दी कैसे हो गया? दरअसल देखिये, स्कूलों का हमेशा एक रोल रहा है समाज को बदलने में। जब हम देखते हैं स्कूलों की तरफ, तो हमें ऐसा लगता था कि स्कूल तो बहुत से हैं, या तो बहुत महंगे स्कूल हैं जो हमारे कम्युनिटी के लोग नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, और या फिर ऐसे स्कूल हैं जहाँ की तालीम का मैार बहुत नीचा है। बच्चे 5वीं 6वीं 7वीं तक पहुँच जाते हैं, उनको इंग्लिश बोलना भी नहीं आता। तो अपने जेम्स स्कूल में ये प्रोग्राम सेट हुआ कि हमने जो तालीम का निज़ाम रखा, यहाँ पर हमने क्वालिटी एजुकेशन को टारगेट किया, और कैम्ब्रिज की जो बुक्स हमारे पास है, जो सिलेबस है सीबीएसई का, उसको पढ़ाने के लिए जो टीचर हमें रखी हैं वो एवरेज टीचरें नहीं है।
हमने क्या किया है कि टीचर्स को बहुत हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हैं, वेल ट्रेन हैं और उनके साथ का तजर्बा भी बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से बच्चों को तैयार करते हैं, पूरा ध्यान देते हैं, मैनेजमेंट भी लगा रहता है साथ साथ टीचर्स के पूरे काम पर ध्यान देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से ये काम बहुत तेजी के साथ चल रहा है और बहुत बड़ा चेंज हम देख रहे हैं बच्चों के अंदर, क्योंकि उसकी एक वजह यह भी है कि हमारे बच्चों में बहुत टैलेंट है। जब जैसे हमने नाम रखा है, जब आप कार्बन को तराशेंगे कोयले को, जब उस कार्बन को तराशने के बाद सही तरीके से तराशेंगे, जिसमें हीरा है तो चमक के निकल आएगा। तो उम्मत के जो बच्चे, जो हमारा उम्मत का सरमाया, अगर इन बच्चों को बचपन में ही एवरेज टीचर पढ़ाएगी, मामूली उस्ताद पढ़ाएंगे जिनको खुद इंग्लिश की बहुत अच्छी मालूमात नहीं है, अरबी जुबान पे उबूर नहीं है, तो वो बच्चों को तैयार नहीं कर पाएंगे। हमने क्या किया कि नर्सरी, लोअर के जी, फर्स्ट सेकंड थर्ड से लेकर के तमाम आला जो स्टैंडर्ड है वहां पर भी, यानी हमारे जो अरबी उस्ताद हैं वो पीएचडी किया, जिन्होंने नर्सरी में पढ़ाते हैं अरबी से पीएचडी, जो हमारे इंग्लिश पॉलिटिशियन है जो आईबी बोर्ड को टेंथ पढ़ाती है, वो हमारे लोअर के जी अपर के जी पढ़ाती है। तो इस तरीके से बीएड और डीएड टीचर्स और तजर्बेकार माहिर टीचर हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह इस काम को पूरे अच्छे तरीके से जिम्मेदारी के साथ करती है। एक खास बात यह है कि हम टीचर्स को इस तरीके से मोटिवेट करते हैं, हमारी पूरे मैनेजमेंट की टीम, कि टीचर्स को ये लगे कि हम खाली ड्यूटी नहीं कर रहे हैं बल्कि हम एक मकसद के साथ काम कर रहे हैं और हमारा काम तनख्वाह के साथ खिदमत करना भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस जज्बे से टीचर्स काम करती हैं तो उसका रिजल्ट आपके सामने लगे। इस साल हो गए इस स्कूल, सर स्कूल खोला हमने कि लॉकडाउन हो गया तो दो साल हम लोग ऑफलाइन पढ़ा रहे थे। वैसे तो मेरे तीन स्कूल हैं लेकिन ये स्कूल हमने जो खोला दो साल पहले तो लॉकडाउन था, ये तीसरा साल हमारा है, इस साल हमारा ये ऑफलाइन चल रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह पहले साल में जो परफॉर्मेंस हुई है, अल्लाह का शुक्र है, आज हालत ये है कि हमारे पास बिल्डिंग में जगह नहीं है और एडमिशन की लाइन लगी हुई हमारे पास, हम लोगों को रिफ्यूज कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं, मैं कुछ बच्चों को सुन रहा था, इसमें से नाइन्थ के बच्चे ने जो कहा वो उसने ये कहा कि नाइन्थ तक उस बच्ची ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, बच्चे ने पढ़ा होगा, और जब वो नाइन्थ में आए थे तो उनके ऊपर उनको कॉन्फिडेंस नहीं था, वो इंग्लिश नहीं बोल पाते थे, और इस स्टेज पे एक साल के अंदर इतना बढ़िया इंग्लिश, इतना बढ़िया, जो एक सिर्फ इंग्लिश बोल लेना नहीं, खड़े कैसे होना है, बात कैसे करना है, फेस एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए, वो तक हमने नोटिस किया। और यहाँ पे जितने भी बच्चों ने परफॉर्मेंस किया है उन्होंने डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए परफॉर्मेंस किया है। ये जेम्स स्कूल में जो भी बच्चा पढ़ेगा वो सिर्फ और सिर्फ हीरा बन के निकलेगा, और हीरा भी कैसा, जिस धर्म से है उस धर्म के बारे में भी जानेगा, दुनिया के बारे में भी जानेगा, और लोगों की इज्जत करेगा। ऐसे बच्चे, उनके जब फेस एक्सप्रेशन में देख रहा था, उनको सुन रहा था, तो ऐसा मुझे महसूस हुआ और वही मैं आपको बता रहा हूं। हमारे साथ हैं जेम्स के एक और टीचर। सर आपका नाम के साथ ये बताइए, कैसे हो पाया एक डेढ़ साल में ये सब कुछ? जी सलाम, मेरा नाम साद सैयद है, मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ यहाँ पर, और अल्लाह ताला ने बच्चों, जितने बच्चे हैं, इस तमाम बच्चों के अंदर टैलेंट पहले से ही दिया हुआ है। बच्चों के अंदर टैलेंट बहुत होता है, लेकिन ये है कि उस टैलेंट के ऊपर डेडिकेशन और मेहनत करने की जरूरत है। हम लोग ने जब शुरुआत किया सिलेबस प्लानिंग और करिकुलम प्लानिंग के, जिस फीस स्ट्रक्चर में हम स्कूल को रन कर रहे हैं और जो सिलेबस प्लानिंग हमारे पास में है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह चैलेंज कर सकता हूँ पूरे इंडिया लेवल पे कि आप किसी भी स्कूल का करिकुलम हमारे करिकुलम के साथ कंपेयर करिए, फॉर इंग्लिश, फॉर साइंस, फॉर मैथ्स, फॉर अरबिक, फॉर इस्लामिक स्टडीज, एनी ऑफ द सब्जेक्ट। एंड अभी नेक्स्ट ईयर हम लोग ने रोबोटिक्स लॉन्च किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यहाँ तक कि कोडिंग वगैरह में हम पाइथन को भी टच कर रहे हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग, लोगो डिजाइनिंग। तो स्किल ओरिएंटेड जो हम लोग ने पूरा सिलेबस प्रोग्राम डिजाइन किया है अलॉन्ग विद मार्शल आर्ट्स, आर्चरी एंड द फिजिकल डेवलपमेंट। तो जब पूरी टीम, टीचिंग स्टाफ, मैनेजमेंट सब एक मकसद के ऊपर जब काम करते हैं, गोल के ऊपर, कॉमन एजेंडा के ऊपर काम करते हैं, तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट उसी तरह से निकलता है। और उसी तमाम एफर्ट्स पे जब इखलास हो और अल्लाह से लगाव हो, अल्लाह से हम दुआ भी करते रहे, तो अल्लाह ताला उन मेहनतों को कबूल करके उसका नतीजा जो है वो आप लोगों के सामने आज दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इस बच्चे के टैलेंट और स्किल को देख करके मुझे पटना वाले खान सर का याद आ गया। पटना वाले खान सर वो हैं जिनसे पढ़ने के लिए बच्चे तरसते हैं, तड़पते हैं, और वो एजुकेशन को इस तरह से पढ़ाते हैं, इतना आसान से पढ़ाते हैं, चुटकुले में पढ़ाते हैं कि बच्चों के अंदर वो एकदम जज हो जाता है। खान सर वो हैं जिसको शायद ही आज के डेट में कोई नहीं जानता होगा, करोड़ों उनके व्यूवर्स हैं, करोड़ों उनके जो चाहने वाले हैं और लाखों बच्चे हैं। मुझे वहां पे पटना भी जाने का मौका मिला था
और मैंने उनके इंस्टीट्यूट को देखा, बच्चे जो पढ़ने के लिए जिस तरह से करते हैं, ये आज आपके बच्चों का टैलेंट देख करके मुझे खान सर के वो बच्चे याद आ गए जहां मैं गया था इंटरव्यू करने के लिए, और उस बच्चों के अंदर जो जज्बा था, कोचिंग हब है वो पूरा, लेकिन सबको पढ़ना खान सर से है। तो मुझे लगता है ये सारे जो गेस्ट आप देख रहे हैं, इन सब ने अपनी अपनी बातें शेयर की है, और वो मैं इसके बाद जरूर चलाऊंगा। इन लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, बच्चों ने आप अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, आप जरूर ये पूरा वीडियो देखिए। और अगर मीरा भाईंदर में किसी स्कूल को आपको अगर चुनना है जिसमें वो सारी तालीम हो, इस्लामिक भी हो, अरेबिक भी हो, उर्दू भी हो, इंग्लिश भी हो, और आपके बच्चों को कॉन्फिडेंस भी हो, तो कम जेम्स एंड ज्वाइन। कम जेम्स में आपका बच्चा एक साल में बिल्कुल चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने उन बच्चों को सुना जो एक साल में कुछ और थे और उसके बाद आज वो कुछ और। अंत में इतना ही कहूंगा, आप सब अपना ख्याल रखें, एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच। दिस प्लेस हैज बीन अ सेकंड होम वेयर वी हैव स्पेंड मोस्ट ऑफ अ टाइम। द टीचर्स हैव बीन एक्सट्रीमली काइंड एंड सपोर्टेड अस थ्रू आवर लर्निंग फेज। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई वुड लाइक टू थैंक एमडी सर, हु हैज ऑलवेज पोर्ट्रेड द इमेज ऑफ हाईली डिसिप्लिन्ड पर्सनालिटी एंड सो हम्बल एंड काइंड। He influences us and motivates us to achieve the impossible. Sir, I must acknowledge that the most important lesson we have learned from you is to be disciplined and self-retained. First of all, I would like to thank our dear MD sir who gave me the opportunity to experience this school by giving me admission. Our class teacher, Ms. Shagupta, always showed love and affection towards us. She used to teach us with great enthusiasm and love. Our teacher, Ms. Kalpana, she used to talk with us in Marathi so that we can't find any difficulty in it and ease our difficult and so that we can't find any difficulty in it. According to me, science is a boring subject, but Iqbal sir proved it wrong. He used to make his lectures interesting with jokes and stories related to the concepts and theories. I would not forget to thank Ms. Nilofer and Kasim sir who gave us plenty of religious knowledge. I would also like to thank Saad sir and Tahira madam who used to constantly visit us when we were free and give us useful general knowledge and provided ice-breaking session. I would like to thank MD sir, Tahira madam, Saad sir and teachers to teach us and make us good human beings. I would like to thank first of all Allah subhanahu wa ta'ala and after that my parents and as MD sir is my father and the teachers present over here, Shagupta miss and the teachers of pre-primary section, secondary section and all the teachers that they prepared me like this and today I am standing over here and addressing you all. I would like to say that the teachers of school, the teachers which are there in school, they support us and they build us from nothing to many, like we just develop in all aspects. As I'm in college and I have experienced that the teachers in college, they just come in the class and they give the lectures and they go, like they don't even bother that the student is learning or not. They're just completing their syllabus and they're going. But in school, when you are in school, so the teacher is focusing on every single student and they're improving their personality. So I would like to say that Shagupta miss, as we were in 10th last year, so she was our class teacher. And I would like to say this to the students right now, they're in 10th, that first we were in 10th, so Shagupta miss is our class teacher. And hum log ka haq unpe zyada hai. Haan, aap log ka itna nahi hai, hum log ka zyada hai. So I would like to thank all of you all to give me chance to address you all and wassalam. एक शहर मेरे जहन में आ गया कि अमीरे शहर ने कागज़ की कश्तियाँ देकर समंदर के सफ़र किया रवाना मुझे। एक बड़ा मेरे लिए एजाज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ पर एक्टिविटी देखी, हालांकि मैं तकरीबन आधा घंटा लेट पहुँचा, माजरत, लेकिन जितनी भी एक्टिविटी यहाँ पर हुई माशाल्लाह वो बहुत ही काबिल दीद थी और मुबारकबाद के मुस्तहिक है हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स और बच्चे
और उसके साथ साथ इस अदारे को चलाने वाले इस अदारे के रूह रवा डॉक्टर अजीमुद्दीन साहब, वाकई इस दो साल के कलील अरसे में, मुख्तसर से अरसे में, पिछला साल तो पेंडेमिक का गुजरा वो तो सबको अपनी नज़रों के सामने है, लेकिन एक साल के इस छोटे से अरसे में इतना अच्छा परफॉर्मेंस, यकीनन आप लोग सब इसके मुस्तैक हैं। मैं चाहता हूँ कि बच्चों की इस कारकर्दगी पर आप ही में खराज अकीदत पेश कर सकते हैं जोरदार तालियों के साथ में, और मैं यकीन दिलाता हूँ कि इस शेर के साथ में अपनी बात खत्म करूँगा कि होने दो सवेरा नजर आऊँगा तुमको, होने दो सवेरा नजर आऊँगा तुमको, सूरज हूँ अभी रात की स्याही में हूँ। इंशाल्लाह यह अदारा पनपेगा, फूलेगा, फलेगा। दो साल की कलील मुद्दत में ये परफॉर्मेंस बच्चों ने पेश किया है, इंशाल्लाह ये चांद को छुएगा। मेरी नेक ख्वाहिशात इस अदारे के साथ में, नेक खुलूस इखलास के साथ कोई भी काम किया जाए तो उसके अंदर इंशाल्लाह तरक्की होती है। सर, हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं, हम हर कदम पर आपके साथ हैं, और मुझे ये दोनों बच्चे बहुत अच्छे लगी, जो कॉन्फिडेंस उनके अंदर मैंने महसूस किया। आप लोग भी चमकते दमकते सितारे, विषय के लिए आपके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। बाकी इतना अच्छा परफॉर्मेंस बच्चों का और इतना वेल मैनेज्ड, जो टीचरों की जो मेहनत है और जो मैनेजमेंट की जो मेहनत है, काबिले तारीफ है। डॉक्टर साहब, मुझे आपने बुलाया था, मुझे स्पीच तो देने आता नहीं है, काश मैं आपकी स्कूल में पढ़ा होता तो इधर मैं लोगों को और अच्छे से एड्रेस किया रहता। लेकिन ऑल टुगेदर इट वॉज अ वेरी गुड एफर्ट बाय द मैनेजमेंट, बाय द स्टूडेंट्स, बाय द टीचर्स, and last but not the least, the cooperation of the parents. Thank you very much. And many of the children might be knowing me, I am being here for the third time, and what I have seen is that the school has been increasing in its efforts, in its performances. The children are being excellent in their performances. So this is what a school should be, and it is happening. And it is due to the efforts of Dr. Azimuddin and the whole staff and the teachers and all those who have been here for the improvement of the school. So thankful to them and very pleasant that I am here. Thanks a lot. Salatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Honorable guests and the management and the teachers and the parents, this is golden time for GEMS school. Alhamdulillah, we are celebrating today this cultural day. In this whole year we are busy with the education and we have organized picnic and a sports day. Now alhamdulillah, Salim bhai ko aage bulaiye, piche badhne hamare guest hain. Salim Abbas khan sahab aage aaiye re, pata nahi hum chala. So this is the first occasion when we are organized after this whole year offline school, because when the school is started, the lockdown was started, so we could not perform well and the study was online. Now alhamdulillah, the first year, even the whole year is not completed and the students have performed so nice, as you can witness, alhamdulillah. So main iske liye sabse pehle iska shukr Allah rabbul alamin karta hu, kyunki iske liye credit jo bhi hai wo Allah rabbul alamin ke liye hai. यकीनन इसमें हमारे मैनेजमेंट के साथ साथ तारा मैडम और हमारे जो टीचर्स हैं उन सब की कोशिशें हैं। आज के हमारे जो गेस्ट हैं, हमारे इकबाल महाडिक साहब हमेशा हमारे साथ खड़े होते हैं, उमर फुटुल्ला साहब, आफ्ताब भाई, वहाँ जकरिया साहब की सरपरस्ती हमें रहती है, हमारे हमेशा हमको नसीहत और हमारे लिए रहनमाई करते हैं, हमारे बीच हमारे उलमा के नाम भी है, इसलिए कि हमने जो भी कुछ काम दिया है हमारे उलमा की निगरानी में, अगर हमसे कुछ गलती होगी तो भी हमारे साथ खड़े हैं और हमारी हिम्मत अफजाई करने के लिए भी खड़े हैं, हमारे कबीर सर, हमारे एडवोकेट शौज साहब, और आज सलीम अब्बास खान साहब भी हमारे बीच आए, हमारे साथी हैं, हमारे दोस्त हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर हैविंग अ गुड टीम ओवरऑल विद द टीचिंग मैनेजमेंट एंड अदर सर्कस विच वी हैव, अल्हम्दुलिल्लाह। द थिंग विच वुड लाइक टू शेयर विद यू कि देखिए, मैंने कल भी, कल हमारे कुछ प्राइमरी के पेरेंट्स, आई टोल्ड देम कि वी हैव सम विजन ऑफ द स्कूल। इसे पहली चीज़ ये है कि वी हैव क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन मीन्स कि बच्चों को अच्छी इंग्लिश में तालीम मिल सके, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत से पेरेंट्स को बता सकता हूँ जिन्होंने आके मुझसे कहा कि हमारे बच्चे को इंग्लिश नहीं आती थी, ये स्कूल में 6 महीने पढ़ने के बाद नाउ दे आर टॉकिंग इन इंग्लिश वेल। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत बड़ा बच्चों के अंदर इम्प्रूवमेंट आया। इवन जो बड़े क्लासेस में जो बच्चे आए दूसरे स्कूलों से पढ़कर, उन बच्चों ने भी वहाँ इंग्लिश को नहीं आती थी, मगर यहाँ आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह नाउ दे आर टॉकिंग इंग्लिश।
इसके साथ साथ बच्चों के अंदर जो चेंजेस आया है, यानी एक तरफ तो उनके अंदर इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट हुआ, उनके अंदर मैथ, साइंस, कंप्यूटर, अभी हम लोग अगले साल रोबोटिक्स और बहुत सी चीज़ें लॉन्च करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो ये जो चेंजेस आए बच्चों के अंदर, इसके साथ साथ बच्चों को हम कुरान सिखा रहे हैं। नाजरा हमारे शुरू नर्सरी से लेकर दसवीं तक हमारे कारी साहब बच्चों को नाजरा सही कर रहे हैं। कोई बच्चा एक साल में कुरान अगर स्कूल में पढ़ेगा तो इंशाल्लाह उसका कुरान सही हो जाएगा। और इसी के साथ साथ कुछ बच्चों ने इस साल में 6-8 महीने में आधा पारा, किसी बच्चे ने एक पारा हिफ्ज़ भी कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ। तो इसके साथ साथ वी आर हैविंग अरबी एज ए लैंग्वेज, कम्युनिकेटिंग लैंग्वेज। आपने देखा जो बच्चे अरबी में बात कर रहे थे, अरबी प्रोग्राम किया है, अगर इन बच्चों को अरबी नहीं आती होती, जिसने कभी अरबी बात नहीं की है, जिसने कभी अरबी को इस तरीके से नहीं पढ़ा, कुरान के अलावा अरबी नहीं मालूम है, वो बच्चा दो लफ्ज़ नहीं बोल सकता है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने बच्चों ने ड्रामा पेश किया, अरबी में नशीद पेश की, छोटे छोटे बच्चे सेकंड स्टैंडर्ड के, फोर्थ स्टैंडर्ड के बच्चों ने जो स्किट पेश किया अरबी में, वो वाकई काबिल तारीफ। यकीनन हमारे इसमें अरबी उस्ताद की मेहनत है, टीचर्स की, पेरेंट्स की और बच्चों का बहुत, बच्चों की सलाहियत यह है कि उस चीज़ों को जल्दी याद कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये दूसरी चीज़ें हमने ध्यान दिया बच्चों पे कि इंग्लिश एजुकेशन के साथ बच्चों का अरबी, कुरान और इस्लामिक स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़ के ज़रिए से हमने बच्चों के अंदर जो जहन साजी किए, बच्चों को उनके अल्लाह के साथ जोड़ना और बच्चों को उनके माँ बाप के साथ अटैच करना। क्योंकि मौजूदा तालीमी निज़ाम जो है, जब बच्चे बड़े हो रहे हैं उनको बागी बना रहा है, माँ बाप का बागी बना रहा है। ये बात मेरी वो लोग समझ सकते हैं, वो पेरेंट्स जिनके बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं, बच्चे कॉलेज में जाने के बाद अपने वालदे से बागी बन जाते हैं। स्कूल कुछ बोलता है, कॉलेज कुछ बोलता है, माहौल कुछ बोलता है और पेरेंट्स कुछ और बोलते हैं। हम जो निज़ाम लेके आ रहे हैं उसमें बच्चों को अल्लाह के साथ जोड़ना, जैसा कि एक बच्चे ने अपनी तालीम की स्पीच में कहा था, फर्स्ट स्टैंडर्ड वो अपर के जी का बच्चा था जिसने इंग्लिश में स्पीच दी, पारेकर ने, उसने कहा था कुरान की याद पढ़ के अपनी स्पीच दी थी शुरू में कि इतना बिस्मिल रब्बे के लिए खड़ा, पढ़ो अपने रब के नाम के साथ। तो तालीम अगर रब के नाम के साथ है तो इंसान को बहुत बुलंदी पर लेकर जाएगी और जन्नत की तरफ लेकर जाएगी। लेकिन तालीम अगर रब के नाम के अलावा है तो वो इंसान दहरिया बनेगा, अल्लाह का मुनकिर बन सकता है और वो दुनिया में शर पैदा कर सकता है। क्योंकि बड़े बड़े क्राइम जो लोग करते हैं, दे आर नॉट द अनपढ़ लोग, दे आर वेरी क्वालिफाइड पीपल जो दुनिया के बड़े क्राइम करते हैं। तो ये तालीम अगर रब के नाम के साथ जोड़ दिया जाए तो दुनिया के अंदर निखार पैदा कर सकती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने बच्चों को उस म्यार पे लाना चाहते हैं जिसमें उनकी दुनिया भी कामयाब हो और आखिरत भी कामयाब। तीसरी चीज़ हम चाहते हैं बच्चों के अंदर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस के लिए अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव स्टार्टेड आर्चरी, मार्शल आर्ट पूरे साल चला हमारे स्कूल में, इसी जगह पर हम लोग मार्शल आर्ट करते हैं, जगह कम है हमारे पास, लेकिन यहाँ मार्शल आर्ट होता है, यहाँ आर्चरी होता है, निशानेबाजी, यह सब लगा के हटा देंगे, निशाने बच्चे लगाते हैं, आपने देखा स्पोर्ट्स में बच्चों ने किस तरीके से निशाने लगाए, तो आर्चरी हमारे पास है। और हम लोग आगे भी हमारा प्लान है कि हम बच्चों को हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग वगैरह स्टार्ट करने का इंशाल्लाह जगह मिलने के बाद। और उसके साथ साथ ये कि बच्चों को हम ऐसा किरदार बनाना चाहते हैं कि बच्चे पढ़ने लिखने के बाद एक अच्छे इंसान बने। वरना आप देखते होंगे कि अक्सर लोग पढ़े लिखे लोग भी जरा सी बात पर झगड़ा करते थे, मामूली मामूली बातों पर लोगों को अपने झगड़ा करते देखा होगा पढ़े लिखे लोग, समाज के अंदर पढ़े लिखे लोग न्यूज़ फैलाते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि बच्चे जिम्मेदार बने और लोगों के अंदर ये टॉलरेट करने का मादा होना चाहिए एक दूसरे के अंदर। हम बच्चों को अच्छी तालीम दें कि हमारे बच्चे खुद अच्छे बने और दूसरों को भी अच्छा बनने के लिए वो जरिया बने, उनको देख के अच्छे बने। मुझे एक पेरेंट ने आगे कहा कि सर हमारे स्कूल की बच्ची, वो पेरेंट यहाँ होगी, सेकेंड स्टैंडर्ड पढ़ती है, और उनका हमारी बहन की बेटी बांद्रा से है, वो सिक्स में थी, और बोले हमारी बच्ची उस पर बराबर से मुकाबला करती है हर मामले में, पढ़ाई की बात है दूसरे बताया, मार्शल उसने कहा कराटे में, उसने कहा हमारे मार्शल आर्ट है, वो जो बातें बोल रही थी वो हमारी बच्ची जो जेम्स स्कूल की थी वो बराबर उसमें जो है अपने आपको कॉन्फिडेंसली अपनी बात रख सके। तो हमारा ये प्लान है कि हमारे बच्चे कॉन्फिडेंस के अंदर डेवलप होना चाहिए। देखिए बच्चों का एहसास जो है ना आपको बताना पड़ेगा कि हम कुछ कर सकते हैं, तो ये खूबी हम बच्चों के अंदर पैदा करें कि बच्चों में कॉन्फिडेंस बिल्डअप। इसके साथ साथ हम ये चाहते हैं कि बच्चे अपने आप को उस लेवल पर तैयार करें कि मैं डॉक्टर बनता हूँ या इंजीनियर या टीचर बनता हूँ या कोई भी जगह पर जाता हूँ तो मुझे अल्लाह हर वक्त देख रहा है। तो ये एक जवाबदेही का हिस्सा। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर, इस वक्त जो हमारे स्कूल है यहाँ पर, हम भी बच्चों के साथ बहुत मेहनत कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चेंजेस आया। हमारे बहुत से पेरेंट्स इस बात की गवाही दे सकते हैं और देते हैं हमें आगे मिलकर कि सर हमारे बच्चे में बहुत चेंजेस आया और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के जो परफॉर्मेंस है, हमारे कहने से नहीं, आप खुद अपने बच्चे को देखकर आप गवाही देंगे कि हमारे बच्चे में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है। लेकिन इसके बावजूद मीर रोड में बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहाँ चार्जिंग मोर देन 1 लाख रुपीज एक साल की फीस, लेकिन उसके बावजूद भी तालीम का मैार वो नहीं है या कम से कम उनकी टक्कर पर हम भी खड़े हैं जबकि हमारी फीस उतनी नहीं है, उससे काफ़ी कम है। Yes. उसके साथ साथ एक और ख़राब बात यह है कि जो सो कॉल्ड बड़े स्कूल हैं, मैं मामूली स्कूल जो एवरेज स्कूल है जहाँ पढ़ाई कम होती है उनकी बात ही नहीं करूँ, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, मैं बात कर रहा हूँ जो टॉप ब्रांड अपने को समझते हैं, मीर रोड के टॉप ब्रांड स्कूल बड़े बड़े, तो वो स्कूलों की बात कर रहा हूँ कि वहाँ पर शिर्क भी पढ़ाया जा रहा है।
वहाँ बच्चों को मजबूर किया जा रहा है ऐसे श्लोक पढ़ने के लिए, ऐसी चीज़ें पढ़ने के लिए जहाँ पर शिर्क एग्जिस्ट करता है। तो हम हमारे स्कूल में बच्चों के कुरान की तिलावत शुरू करते हैं, हम बच्चों को उनके रब के नाम से उनकी तालीम शुरू करते हैं। जबकि आप तरक्की और तालीम याफ्ता होने के नाम पर अगर आप शिर्क के साथ जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम अपने आप को ज़ाय कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क हम जो देखना चाहते हैं। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर अजीमुद्दीन एज ए चेयरमैन ऑफ जेम्स स्कूल ऑफ एक्सलेंस, आई एम चेयरमैन ऑफ टू मोर स्कूल्स। मेरा एक स्कूल नारा सुपर है, मोहम्मदी उर्दू इंग्लिश स्कूल, पिछले 10 साल से मैं चला रहा हूँ, उसके मैं चेयरमैन हूँ। एक मेरा स्कूल मराठ में पठानपड़ी में, ये तीन स्कूल के अलावा दो स्कूल हमारे साथ और अटैच हैं जिनके मैनेजमेंट के साथ मेरा ताल्लुक। एक स्कूल मेरा भैंदर में है और एक नारा सुपर में और है। हमारा चूंकि ये बिल्डिंग अभी हमारा अप्रूवल नहीं हुआ है, हमारे स्कूल का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, हम उसके लिए जगह ढूंढ रहे हैं इंशाल्लाह। लेकिन हमारे पास जितने बच्चे भी हैं, हमने सारे बच्चों को फर्स्ट से लेकर 10th, 7th तक उन सारे बच्चों को अपने नारा सुपारा स्कूल में गवर्नमेंट में उनके सब बच्चों का नाम पोर्टल पर डाल दिया है। उन सारे बच्चों का उनका स्टूडेंट्स आईडी वगैरह सब जनरेट है ताकि हमारे बच्चों को अगर लगा ही जाएंगे प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको उसके लिए कोई घबराने की बात नहीं है। जो पेरेंट्स फर्स्ट से लेकर 7th तक के पेरेंट्स उनके लिए ये हमने किया। जो बच्चे 8वीं 9वीं 10वीं में है हमारे पास, उन बच्चों के लिए हमारा जो भैंदर के स्कूल है, हमने वहाँ से बच्चों के साथ वहाँ हमने स्कूल के साथ हमारा हम भी मैनेजमेंट का उसका एक हिस्सा है, हमारा इन्वॉल्वमेंट है। और लास्ट ईयर हमारा एक बैच 10वीं पास करके निकला है इसी स्कूल से, वो बच्चे भी आज हमारे मेहमान के रूप में यहाँ आकर बैठे हुए 10th के बच्चे जिन्होंने लास्ट ईयर 10th पास किया था, नाउ दे आर द स्टूडेंट्स ऑफ रॉयल कॉलेज। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब स्कूल से पास किए 10वीं पास करके बच्चे यहाँ बैठे हैं तो आपको घबराने की बात नहीं है। और आज हमारे ये सेकंड लाइन में जो गेस्ट बैठे हुए हैं ये सब बच्चे हैं, बच्चे सब माशाल्लाह तैयार होकर आए, जिनके लिए आपने देखा कि वो उनको आने के टाइम वेलकम किया गया था, कुछ उनके ऊपर फुब्बारे वगैरह छोड़े गए थे, वो मेहमान हैं आज के, जो कि उनका फेयरवेल है। तो वो बच्चों के फेयरवेल के लिए भी अब हम लोग सेकेंड फेज में प्रोग्राम के जा रहे हैं कि बच्चों का फेयरवेल होगा। तो ये बच्चे 10वीं क्लास का एग्जाम जेम्स स्कूल के थ्रू ही देने जा रहे हैं। तो इसलिए वो पेरेंट जिनको कुछ गलतफहमी हो गई है या पैदा कराई गई है तो वो अपना जहन साफ कर, हम हमारे बच्चों का मुस्तकबिल की अगर आपके बच्चे की फिक्र है तो हमारी जिम्मेदारी पूरे स्कूल को चलाने वाली जिम्मेदारी हमारी ज़्यादा है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे 10वीं के एग्जाम देने जा रहे हैं, इनका 2-3 दिन में आज फंक्शन के बाद इनका प्रैक्टिकल शुरू होने वाला है, बोर्ड का प्रैक्टिकल। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं लेकर चल रहे हैं आगे, जाहिर सी बात है कि हम मिनिमम रिसोर्सेज में मैक्सिमम काम करना चाह रहे हैं। एक बहुत कम वक्त में 1 साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल की ये परफॉर्मेंस हमारे पास अब इतनी जानी है, हमारे ऑफिस में हमारे ऑफिस का स्टाफ मौजूद है यहाँ पर, उससे पूछिए आप जाके, एक अच्छी नंबर तादाद जो है हमारे पास ऐसी मौजूद है जो एडमिशन के लिए वेटिंग में खड़े हैं, जो चाहते हैं उनको एडमिशन मिल जाए, हम लोगों को रिफ्यूज़ कर रहे हैं। एक मोटी गड्डी बन गई है इंक्वायरी फॉर्म की। तो हमने ये सोचा कि अगर हमारे जो पेरेंट्स हैं हमारे पास, हम अगले साल अपने ही पेरेंट्स को आगे लेकर जाएंगे, लेकिन अगर कोई पेरेंट जाने वाले सभी उसका इसी क्लास में 1 सीट या 2 सीट खाली होने वाली है तो वो बच्चे जो बेचारे वेटिंग में है उनको एडमिशन दे सके। इसलिए मैं पेरेंट्स से कहना चाहता हूँ, हमने जो फॉर्म भरवाया है वो इसके लिए भरवाया है कि आप अगले साल अगर रहने वाले हैं तो बता दिए, नहीं रहने वाले तो बता दिए, ताकि वो जो सीटें खाली होंगी वो लोग हमारे पास बार बार फोन करते हैं तो हमको वो जगह दे सकते हैं। लेकिन पहली प्रायोरिटी हमारे एग्जिस्टिंग पेरेंट्स हैं, तो उसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है, ना समझ वाली बात नहीं है, बल्कि सिस्टम को मजीद इम्प्रूव करने के लिए, सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए हमने ये प्रोसीजर अपनाया है ताकि हमको ऑन टाइम मान हो जाए, बिफोर टाइम मान हो जाए और हम उसके हिसाब से प्लानिंग कर सकें। तो ओवरऑल कहने का मकसद ये है कि हम स्कूल को जिस बरेले में लेके जा रहे हैं, जिस अंदाज से लेके चला रहे हैं, देखिए क्या है, बच्चों ने बहुत से प्रोग्राम परफॉर्म किए यहाँ पर। ये प्रोग्राम में मेन चीज़ हमारी ये है कि बच्चों की इस्लामी तरबियत होना चाहिए। बच्चों को हम जितना भी पढ़ाते हैं उनके अंदर अखलाक पैदा करते हैं, अहादीस के साथ बच्चों की तरबियत करते हैं, सीरत नबी सलम के साथ बच्चों की तरबियत करते हैं, पूरे साल बच्चे पढ़ाई करते हैं। यह आज एक मौका था जहाँ पर हमने कल्चरल प्रोग्राम रखा, उसमें तराने भी हुए, उसमें कुछ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल पे कुछ बच्चों के छोटे मोटे वो हल्का फुल्का था उनका, थोड़ा छोटे मासूम बच्चों को लेकर के, तो बच्चों के लिए थोड़ा हमने ऐसा करना चाहा कि बच्चे कम से कम कुछ परफॉर्म कर सकेंगे। इसके लिए कुछ छोटे बच्चों ने मौलाना जो कहा बात, तो जदा कर ला आपकी रहनमाई के लिए, लेकिन वो छोटे बच्चों को लेकर कभी कभी ऐसा करना पड़ता है जिसमें हम इसका ख्याल करते हैं और बच्चों की तरबियत करते रहते हैं कि तुम्हें झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, गाली नहीं बकना है और कोई ऐसा काम नहीं करना जो गैर शरी काम, अल्हम्दुलिल्लाह इस पर मुस्तकिल तरबियत होती है। और आपने जो निशानदेही की है इंशाल्लाह आगे भी ख्याल रखेंगे उसका। लेकिन छोटे बच्चों को लेकर जिस तरीके से हमने परफॉर्म किया बच्चों ने, वो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की सलाहियत देखने की बात है कि आज हमारे इस स्कूल के अंदर बच्चों में वो टैलेंट है। आप देखिए बच्चे, कल प्री प्राइमरी प्रोग्राम था, इकबाल भाई मौजूद थे, 1-4 साल की बच्चे ने 99 नाम अल्लाह ताला के सुनाए। बच्चे जो कुरान जिस तरह से पढ़ रहे हैं, आप थोड़ा लेट आए, 9th की बच्ची ने जो कुरान का तजवीद की, इकबाल भाई मौजूद थे, क्या बेहतरीन कुरान पढ़ा उससे गलत, जो इस प्रोग्राम के स्टार्टिंग में जो गलत हुई है।
तो ये पता चलता है कि बच्चों की तरबियत किस लेवल पे हो रही है। बच्चों को कुरान सही किया जा रहा है, उनको इंग्लिश आ रही है। बड़े बड़े इंग्लिश स्कूल से बच्चे हमारे पास एडमिशन लेने आते हैं, उनकी इंग्लिश में सही नहीं, 6-7 के बच्चे आते हैं इंग्लिश में नहीं बोल पाते सही से। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग काम कर रहे हैं, और हम ये तमाम पेरेंट्स से भी कहना चाहते हैं और तमाम गेस्ट से भी कि भाई कोई जगह हो तो हमको दिलाइए। हम लोग इंशाल्लाह 5-7 घंटे का कोई ब्लड मिलेगा और 10 घंटे का ब्लड तो स्कूल हम ये स्कूल हमारा रहेगा बिल्डिंग, इसको और बड़ा करना है, तरक्की करने के लिए इंशाल्लाह और एक बिल्डिंग बनाएंगे जिसमें स्विमिंग पूल होगा, राइडिंग होगी, और बच्चों को हम बहुत आगे लेके जाना चाहते हैं। क्योंकि बच्चों को आप तालीम के साथ साथ उनको आपको फिजिकली स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपसे कहा अगले साल हमारी अभी पिछले हफ्ते मीटिंग हुई रोबोटिक्स के इंजीनियर वगैरह साथ साथ के साथ मीटिंग हुई, हमारे आईटी डिपार्टमेंट के हेड के साथ साथ पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं स्कूल का। अभी रोबोटिक्स आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग उसकी पूरी टीम आ गई, बुक्स वगैरह उसके सब रेडी हो गया, सब उसकी किट वगैरह भी आ गई, सब बनाने का क्या है। तो अगले साल से रोबोटिक्स आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग कोडिंग ये सब शुरू करने वाले हम लोग। तो हम लोग टेक्नोलॉजी में जो स्कूल बहुत अपने आप को बड़ा समझते हैं, मीरा उत्तर टॉप सबसे टॉप ब्रांड स्कूल जाइए, उससे आगे इंशाल्लाह हम खड़े मिलेंगे। थोड़ा वक्त चाहिए, थोड़ा सबर कीजिए। आपका बच्चा किसी बच्चे से, किसी बड़े से बड़े स्कूल के बच्चे से पीछे नहीं होगा इंशाल्लाह। हमें अल्लाह की ज़ात पे यकीन है और भरोसा है, और हम सब मिलकर हम स्कूल के तमाम मैनेजमेंट, टीचर्स और आप तमाम पेरेंट्स और बच्चे, हम जब चारों लोग साथ खड़े होंगे इंशाल्लाह तो एक चेंज आएगा, और वो चेंज आपके बच्चे की जिंदगी को बहुत आगे लेके जाएगा, बहुत कामयाब करेगा, जिसमें उसकी दुनिया भी कामयाब होगी और आखिरत भी कामयाब होगी। शुक्रिया बाप लोग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। First of all, I would like to request all the parents to please give a round of applause for all the students who have come up on the stage and shared their experience, they have done their performances. Please give a round of applause. It takes a lot of guts. It is easy to practice inside the classroom. It is easy to speak and practice in front of the mirror. It is easy to speak when you are imagining. But it becomes very difficult when a child has to come up on the stage and speak in front of many people. The secondary section students who came and shared their experiences, I remember very clearly. इसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जब स्कूल में आए, the very first day when we were interacting with them, तो वो personal interaction में they were also shy. उनसे सवाल पूछो तो जवाब देने में भी वो hesitate करते थे. और माशाल्लाह इतने कम स्पैन में दे गॉट द कॉन्फिडेंस टू कम अप ऑन द स्टेज एंड स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू, दैट्स अ कमेंडेबल जॉब विच दे हैव डन एंड दे हैव प्रोग्रेस्ड अ लॉट अल्हम्दुलिल्लाह। व्हाइल आई वाज सिटिंग देयर वन ऑफ आवर गेस्ट मिस्टर उमर सर एड्रेस एंड ही सेड कि मुझे बैठे बैठे जो है आपका जो स्कूल है जेम्स स्कूल, तो जेम्स का फुल फॉर्म मेरे दिमाग में आया अभी बैठे बैठे। तो मैंने कहा क्या सर बताइए, ही सेड दिस इज द गोल्डन एरा ऑफ मुस्लिम स्टूडेंट्स जेम्स, जो उनका फुल फॉर्म दिया सर ने। थैंक यू वेरी मच सर फॉर द इन्वेंशन। वेरी शॉर्टली आई वुड लाइक टू से कि आज के जो हालात चल रहे हैं, सर्कमस्टेंसेस इफ यू नोटिस द सिचुएशन हैज चेंज अ लॉट। 5 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले सिचुएशन बहुत अलग थी। अब जो तेजी के साथ जो हालात में चेंजेस आए हैं, स्पेशली फॉर द यंग जनरेशन, जो 10th के स्टूडेंट्स हैं, जो अभी पास आउट करके जा रहे हैं, या वो बच्चे जो अभी स्कूल सेक्शन में हैं, वो प्रॉब्लम्स जो 10वीं 12वीं या हो सकता है कि 30-40 साल की उम्र के बाद लोग फेस करते थे, आज वो टीनेजर्स के अंदर वो प्रॉब्लम्स पाई जा रही है। ड्रग्स का अब्यूज टीनेजर्स में बढ़ता जा रहा है, डिप्रेशन के केसेस टीनेजर्स में बढ़ रहे हैं, सुसाइड केसेस टीनेजर्स में बढ़ रहे हैं। जो कॉम्प्लेक्सिटी दुनिया में जिस तेजी से बढ़ रही है, इसको हमको समझना पड़ेगा। हालात जिस तरह से चेंज हो रहे हैं, दिस इज द एरा ऑफ सोशल मीडिया एंड द डिजिटल एरा। हर पेरेंट्स, हम लोग जब सोशल वर्क में पेरेंट्स से इंट्रैक्शन करते हैं, हर पेरेंट को ये लगता है कि भाई हमारा बच्चा तो कुछ नहीं करता है, या ड्रग्स के प्रॉब्लम में जब हम लोग इंट्रैक्शन कर रहे हैं, नहीं मेरा बच्चा ये सब चीज़ों, हमने कहा वी अंडरस्टैंड कि हम सबको अपने बच्चों पे भरोसा है, लेकिन हर माँ बाप को ये लगता है हमारा बच्चा कुछ नहीं कर रहा है, बट किसी ना किसी के बच्चे तो हैं सड़क पे जो एंगेज हैं इन चीज़ों में। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर हमारे बच्चे नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन हमको फिक्र करनी पड़ेगी कि वो इस बुराइयों से कैसे बच सके। आने वाले हालात बहुत डिफिकल्ट हो चुके हैं, पढ़ाई का प्रेशर जो बच्चों के ऊपर है, एक बहुत सैड रियलिटी ये है कि हमको ये सिखा दिया गया है कि एजुकेशन आपको हासिल करना है ताकि आपको अच्छी नौकरी मिल सके, एंड दैट इज हाउ वी सेलेक्ट द करियर। करियर सिलेक्शन हमारे यहाँ कैसे होता है, बेटा वो डिग्री करो, हमारे वो रिश्तेदार ने की थी, उनको देखो किधर जॉब मिल गई, अभी इतने लाख कमाते हैं वो। तो करियर सिलेक्शन ये हो रहा है कि फलाने रिश्तेदार ने क्या डिग्री किया था और कितना पैसा कमा रहे हैं, उसके हिसाब से आपको डिग्री करना है। दिस इज द वेरी रॉन्ग अप्रोच टुवर्ड्स एजुकेशन। हमको एजुकेशन इसलिए हासिल करनी है कि अल्लाह ताला ने हमको खलीफा बनाकर भेजा है दुनिया में।
जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया तो उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि अल्लाह की इबादत करने वाले कोई नहीं थे। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं वमा खलकतल इंसा वल जिन्ना इल्ला लियाबुदून, हमने इंसानों और जिन्नों को पैदा इसीलिए किया कि हमारे जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, हमने जिन्नों और इंसानों को पैदा इसीलिए किया कि हमारी इबादत करें। तो जिन तो अल्लाह की इबादत कर ही रहे थे उस वक्त, लेकिन अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, फिर उनको इल्म दिया और कहा फरिश्तों से कि सजदा करो आदम को। और आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने पूछा, जब आदम अलैहिस्सलाम की तखलीक के बारे में सूरह बकरा में इसका पूरा जिक्र आता है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया मैं खलीफा भेजना चाहता हूँ इस जमीन को। तो हमको जो वाइसरॉय बना के अल्लाह ने भेजा है, ये एजुकेशन हासिल करने का मकसद सिर्फ कोई डिग्री कोई जॉब ये नहीं है, बल्कि दुनिया को चेंज करना है, अपने आप को चेंज करना है, घर को चेंज करना है, और माशरे की बुराइयों को खत्म करके एक जिम्मेदार इंसान बनकर खड़ा होना है। तो इन हालात में जेम स्कूल, हमारी टीम, मैनेजमेंट के लोग, टीचर्स सब इसी के ऊपर मेहनत कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जो प्रोग्रेस हुआ है आपने देखा, इसमें बहुत सारी कोताहियाँ हो सकती हैं, बहुत सारी गलतियाँ हो सकती हैं, गलतियों से कोई पाक नहीं है, लेकिन हमको ये भी समझना पड़ेगा कि एक बड़ा मकसद जो हम नज़र हमारा जिस मकसद पे है, वो मकसद से हमारी नज़र नहीं हटना चाहिए। तो आप तमाम पेरेंट्स का हमेशा से कोऑपरेशन रहा है, वी एक्सपेक्ट द सेम कोऑपरेशन विथ यू, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो विद द डेज टू कम वी विल सी द स्टूडेंट्स अमंग द जेम्स प्लेइंग अ वाइटल रोल इन द सोसाइटी एंड इंशाल्लाह दे विल लीड द फ्यूचर। मैं एक शेर से अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, नहीं बसेरा तेरा कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर।